बोलो जय माता की। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमित अपने ब्लॉगिंग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हम कटरा पहुँच चुके हैं और रूम हमने ले लिया था, और ये भी बताया कि हमने अर्थकवारी पर भी डोमेट्री बुक कर चुके हैं, और वही जर्नी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब माता की चढ़ाई करने के लिए हम निकल चुके हैं। इससे पहले RFID कार्ड बनवाना ज़रूरी है, वही बनवाने हम जा रहे हैं, ठीक है। और ये इतने सारे लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। बोलो भाई, ये सभी जा रहे हैं RFID बनाने के लिए। सबका होना ज़रूरी है RFID कार्ड के लिए। गाइज, हम फाइनली पहुंच गए हैं गेट के पास। ये देखिए, दिख रहा है गेट। चलो आयो आयो, चला के चलो। गेट पे आ चुके हैं। ये RF का ID कार्ड भी मिल चुका है हमें, सब कुछ रेडी हो चुके हैं। अब चेकिंग पोस्ट पे आ चुके हैं, यहाँ चेक करवाना है और एंट्री होगी हमारी। अब देखते हैं। लो भाई, हमारा एक तो पहलवान जो सो गया है, इसके लिए भैया ट्रोली करनी पड़ेगी सोने के चक्कर में। अब देखो, चले भाई, चलो। मौज में होगी तो भाई। चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, बाणगंगा पे हैं, अर्थवार तक जाएंगे। ज्ञान देख, बोलो जय माता दी, जय माता की, जय माता की। चले चलो, देख 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 देख, अभी 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 करेंगे, रो मत। देख करेंगे, अभी करेंगे। देख ध्यान, कहाँ जा रहे हैं? मैं सुनते भी रो क्यों रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ठंड लग रही है ना थोड़ी सी, है ना? क्योंकि भाई नीचे बिल्कुल भी टेम्परेचर ऐसा था नहीं, बड़ी वजह से जैसे ऊपर ऊपर चल रहा है हल्का हल्का ठंडा हो रहा है मौसम, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। 2013 में आया था लास्ट, और 2022 है। थोड़ा सा चढ़ते ही सांस थोड़े थोड़े से चढ़ने लग गए हैं। बाकी माता रानी ने बुलाया है तो वही चढ़ाई भी भाई, है ना? बोल जय माता दी। Thank you.
बयान बोलो जय माता की। भाई बहुत ज्यादा घोड़े घाड़े चल रहे हैं रस्ते पे, तो देख के और संभाल के ही चलना पड़ेगा। बोलो जय माता की। जयकारा हो शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। मजा आ रहा भयान है ना? अरे भयान भाई कहाँ पे बैठे हो? भयान भाई अभी हम जा रहे हैं पहले अर्धकुंवारी पे, भगवान माता रानी की कृपा से हमें डोमेट्री मिल गई है, तो वहीं नंबर लेके चेक करेंगे कि कितना टाइम बाद हमारा नंबर आता है। जल्दी नंबर आ जाए तो और मजे आ जाएंगे। बाकी दर्शन करने के बाद ही हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ जाएंगे। जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। चला भी नहीं भाई। सुनो चलाना ही बहुत मुश्किल है, आप रास्ते में थक जाओगे, बस हो जाएगी। ये यहाँ बारिश कब पड़ती है सर? ये बस अभी जनवरी में, जनवरी में, जनवरी से शुरू हो जाएगी। अच्छा बारिश भी और बारिश भी। ये तो यहाँ तक क्या क्या वीडियो करवाने आते हैं, सिम एक्टिवेट करवाने आते हैं? मैम तो पहले करवा चुके हैं एक्टिवेट। रोक दूँ? लो भाई बयान के लिए भी हमने ट्रॉली ले ली क्योंकि भाई छोटा बच्चा थक गया है। बच्चे के बाप भी थक गया, इसलिए सोचा यही ले लें, अभी तो बहुत ऊपर तक है भाई। अभी 1 किलोमीटर भी ना चढ़े हैं पर सांस फूलने लग गया भाई अपने तो। पर कोई ना, फिर भी माता ने बुलाया है तो माता के पास जरूर जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए करेंगे पैदल चढ़ाई। पैदल चढ़ाई का कुछ अलग ही मजा है, वो बात अलग है भाई, घर जा गए पसर जाएंगे, पर अभी तो फुल पैदल चढ़ाई के मज़े लेने हैं, फुल मज़े है ना भाई? बोलियो। हाँ क्या? हाँ सांस फूल गई, कोई ना भाई सांस फूल गई तो। चलो 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 क्या हो सा चढ़ गए? नींबू पानी पियो, नमक वाला जब भी फायदेमंद रहोगे, हाइट पर जितना भाई सांस फूल गए हैं तो नींबू पानी बनवा रहे हैं ये भाई, बना रहे हैं। बोतल थोड़ी डाउन मार रखी, दिख नहीं रही है भाई। नमक थोड़ा ढंग का डाल देना, थोड़ी सी एनर्जी लेनी पड़ेगी क्योंकि स्टैमिना भाई हमारा डाउन हो रखा है, मेहनत करते नहीं है, तो इसलिए नींबू पानी पी पी के चढ़ना पड़ेगा। ये देखो इनके हाल, और अभी 1 किलोमीटर भी ना आए हैं, अभी तो 6 और जाना है, उसके बाद टोटल 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये देखो सांस फूल के इसके ना फूल रहे लग रहा भाई, ये भाई एक्टिव लग रही है। हाँ बयान परेशान तो नहीं हो रहा? तो वो क्यों परेशान होगा, आप परेशान तो हम हो रहे हैं। हाँ लो भाई अपना आ चुका है लेमन,
ये भाई चरण पादुका पे आ गए हैं, ये बोलते हैं कि कुछ सेंटर है, मिड है, कुछ देखें। भाई थोड़ी देर में रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि साथ कुछ ज़्यादा फूलने लग गए हैं, बच्चे भी साथ में हैं। अब बच्चों को दिखाता हूँ मैं। देखो भाई बालक तो अपना पूरा रेस्ट मार रहे हैं आराम से, कोई ना सही है, ठंडा हो रहा है, सो जाए आराम से, सही है। दुकानें चकाचौंध हैं यहाँ पर, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कुछ भी हो, प्रसाद से लेकर कुछ भी सामान खरीदना हो, खाने पीने की सुविधा सारी उपलब्ध है यहाँ पर, सब कुछ अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस माता का नाम लेके भाई चढ़ते चलो, चढ़ते चलो, चढ़ते चलो। ये देखो भाई बुरी हालत हो ली है सीट ढूंढो बैठने की। जय माता की, जय माता की, आरती का एंजॉय करो भाई, आरती को आनंद करो। खड़ंग खपर धारी मैया, खड़ंग खपर धारी जो भावे पल पावत सेवक नर नारी। ओम अम्बे गौरी, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती भाई। फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने एक गुफा में विश्राम किया था, जिसको बोलते हैं गर्भजून गुफा। अभी उस गुफा के लिए भाई नंबर लेंगे, देखते हैं कितने घंटों में नंबर आता है। सुनने में तो आया था भाई बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बट पहुँच गए है भाई, पहुँच गई। हाँ, ये सामने ही है गर्भजून गुफा, अभी नंबर लेंगे, नंबर लेके फिर भाई अपने डॉर्मेट्री तो रूम मिल गया है दिन में, फिर वहाँ जाके बैग वैग रख देंगे। हाँ। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको वाला गाड़ी। जय माता की, माता रानी की महर है, वही चढ़ाती है।
बाकी तो भाई थोड़ा बहुत स्टैमिना भी जरूरी है चढ़ने के लिए। ये देखिए पहुंच गए हैं, देखिए ये भोजनालय है, सागर रत्न भी खुला हुआ है यहाँ पर, जिसका डोसा फेमस होता है। ये लाइन है गुफा के अंदर जाने के लिए, और हर गुफा की लाइन लगी हुई है, और हमारा नंबर जो है भाई 636 है और अभी चल रहा है 530, तो देखते हैं कब तक आएगा नंबर। बहुत ही प्यारा नज़ारा भाई यहाँ का, भाई पहुंच गया अर्धकुंवारी। कैसा लगा? थकावट हुई थोड़ी चढ़ने में? है ना, साथ चढ़ गए भाई। अब नंबर तो ले लिया भाई, देखते कब तक नंबर आता अपना, पता करते एक बार यहाँ के गार्ड से कि भाई हमारा 636 नंबर है, किस टाइम तक आएगा वो नंबर, फिर पता चलता क्या होएगा। भाई हमारा छोटा वाला लाल तो हांड रहा है भाई, रात हो चुकी है, टाइम हो गया है 22:30 बज गए मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं पता करूँगा किससे कि नंबर जो हमारा किस टाइम तक आएगा, फिर पता चल तो उस हिसाब से देखते हैं। गाइस हम अपने रूम में अपना सामान तो रखाए हैं, डॉर्मेट्री रूम मिला था, बस सही जगह है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेड मिल गया है। कंबल लेने हैं उनके 500 रुपये पर कंबल के हैं, वो देखे मिल जाएगा आपको, वो रिफंडेबल है, वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। वो देने के बाद हम अब कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। भाई ये नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं है, बटर रोटी है और शाही पनीर मंगवाई है, नॉर्मली खाना खा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि पेट ही भरना है यहाँ पर, टेस्ट में तो ज़्यादा खास कुछ होएगा नहीं। मज़ा क्या हो रहा है रियान, कहाँ पर गए थे हम? अभी गुफा में गए थे ना हम? हाँ। बोलो क्या करा आपने? मैंने मैंने वहाँ पे खूब खेला। कैसे कैसे निकले गुफा से बाहर? गुफा से जब मैं ऊपर नहीं आ पा था ना, हाँ। तब तब किसी अंकल का ऑटो करके ऊपर ले आ गया। मजा आया ना अंदर घुस के? हाँ। चले? हाँ, सेलबन क्या है? सेलबन क्या ना? हाँ। भाई फाइनली हमारे गर्भजून गुफा के दर्शन हो चुके हैं, हमारा नंबर था 636, ठीक है। रात में हमने नंबर लिया था, वो तो माता की कृपा, किसी ने हमें ना नंबर दे दिया भाई जो 636 था, नहीं तो उस टाइम पे 691 के आसपास चलता था, किसी ने 636 नंबर दे दिया, तो फिर रात हमने यहीं गुजारी है। सुबह 6 बजे लगे थे, 7:30-8 बजे के आसपास हमारे दर्शन हो चुके हैं, फाइनली जो अर्ध जो गुफा के दर्शन थे वो हो चुके हैं। अब इसके बाद हम ऊपर भवन की चढ़ाई करेंगे, भवन पे चढ़ रहे हैं अब जाने के लिए। भाई बहुत अच्छे दर्शन हुए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, मज़े आ गए। और अभी के लिए है ना, आगे की वीडियो पे बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी अगला जो जर्नी होगी भवन पे चढ़ाई की वो आपको जैसे ही मैं अपडेट करूँ नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, ठीक है। जय माता दी।